हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर भरूला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस, ऑडिट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, एक ओवरव्यू पढ़ रहे थे। और हमने रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से रिस्क असेसमेंट करने का काम जो है मैनेजमेंट का है, लेकिन उस रिस्क असेसमेंट को एसेस करेगा, रीअसेस करेगा, और उस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को, रिस्क असेसमेंट मेथड्स को ऑडिटर इवेलुएट करेगा। और उसके बाद क्या है कि रिस्क एनालिसिस मॉडल देखेगा, रिस्क रैंकिंग देखेगा, और देखने के बाद जो है इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन करेगा। और हमने इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि रिस्क को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने का काम जो है इंटरनल मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट रिस्क को, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वो करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क वो डिफाइन करेंगे, लेकिन ऑडिटर क्या होगा, इन इन चीज़ों को इवेलुएट करेगा, अपनी ओपिनियन देगा, और वो देखेगा कि सही तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई क्लासिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है, ऐसे इंफॉर्मेशन एसेट की इन्वेंट्री बनाई की गई कि उसको क्लासिफाई किया गया है कि नहीं किया गया, और उसकी रिस्क रैंकिंग की गई कि नहीं की गई है, और उसी तरीके से कंट्रोल्स डिज़ाइन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। उसके बाद वो कंट्रोल्स को देखेगा, उनके नेचर क्या है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। उसके बाद किसने कंट्रोल डिज़ाइन किए, अप्रूव किए, अप्लाई किए, मॉनिटर किए, इन सारी चीज़ों को वो देखेगा। तो हमने ये भी जाना था कि इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन इनहेरेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, क्योंकि हमने ये भी जाना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ट्रेडिशनल ऑडिट में जो 5 एम्प्लॉय वाली कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, वहाँ पर कई जगह पर इंटरनल कंट्रोल्स होते ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल लेवल पर होते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल्स वहाँ पर नहीं देखे जाते हैं उतने। लेकिन बड़ी कंपनी, जैसे जैसे एंटरप्राइज बढ़ता जाता है, तो इंटरनल कंट्रोल्स हम देखते, उसको ऑडिटर जो है उनको इवेल्युएट करता है, और कंपनी भी उसमें रिलाई करने लगती है, और वो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है, वहाँ इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ट्रांजैक्शन लेवल पर ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं जाती, इंटरनल कंट्रोल्स देखे जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत हैं तो कंपनी सही तरीके से जो फ्रॉड, एरर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उस कंपनी में नहीं होंगी, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स कमज़ोर हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट हो रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मिनिमम लेवल का तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। तो ऑडिटर इन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को देखेगा, और वो ये देखेगा कि कंट्रोल्स आज के लिए इफेक्टिव होने चाहिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इफेक्टिव होने चाहिए, यानी कंटिन्यूसली उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए थी, और अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, उसी के अनुसार डिज़ाइन किए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट किए जाएंगे। उसके अलावा हमने वेरियस टेक्निक्स के बारे को समझा था कि ओवरऑल इवेल्यूशन इंटरनल कंट्रोल का कैसे होगा, तो उनमें से कोई भी टेक्निक्स जो हैं ऑडिटर जो है मोस्ट सूटेबल या रिलेवेंट टेक्निक्स जो हैं ऑडिटर अपनाएगा। तो सबसे पहले वो इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकता है, सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट देख सकता है, वो देख सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल्स, इंटरनल ऑपरेशन, रेपुटेशन, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट जहाँ पर आएगा वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन हार्म हो रही है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तो वहाँ पर कंट्रोल्स देखेगा, उस लेवल पर स्ट्रेटेजिक लेवल पर कंट्रोल्स देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोई भी डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीएम में अभी एक सीईओ आए, और वो उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंजेस करने स्टार्ट किए, तो पता चला कभी जापान से प्रॉब्लम आ रही है, कभी जर्मनी से जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पूरी कंपनी वाइड डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पर सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट देखा जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़, जो हमने एसेट की रेटिंग की बात की, हमने कहा कि हर एसेट को, क्रिटिकल एसेट्स को रैंक किया जाएगा, तो उनको रेटिंग दी जाएगी, और वहाँ पर देखा जाएगा कि हम उसे न्यूमेरिकल रेटिंग दे सकते हैं, 1 to 5 दे सकते हैं, तो वहाँ पर ये देख सकते हैं कि कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर 1 है तो इसका मतलब बेस्ट कंट्रोल्स हैं, 5 है तो मतलब पुअर या नो कंट्रोल्स हैं।
तो हम उसमें एक रिस्क रैंकिंग कर सकते हैं, उसमें एक इंटरनल कंट्रोल रैंकिंग कर सकते हैं, सूटेबल रैंकिंग कर सकते हैं, उस रैंकिंग जो है गुड एडुकेट इन एडुकेट पुअर इस तरीके से भी रैंकिंग कर सकते हैं, 1 to 5 भी रैंकिंग कर सकते हैं। जनरली क्या होता है 1 to 5 रैंकिंग होती है, 1 to 10 भी कर सकते हो आप, 1 to 100 भी कर सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो। लेकिन जो जनरल स्टैंडर्डाइज रैंकिंग की जाती है वो तो आइदर गुड एडुकेट इन एडुकेट पुअर की जाती है या फिर 1 to 5 नंबर दे दिए जाते हैं। रैंकिंग 1 है तो इसका मतलब एडुकेट कंट्रोल्स हैं उस एसेट्स के करस्पॉन्डिंग। तो एज एन ऑडिटर जब आप जाओगे उस डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे, प्रीवियस रिस्क रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, तो आपको वो दिखाई देंगे, वो सारे एसेट्स दिखाई देंगे, उनकी रैंकिंग दिखाई देंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑडिट में ऑडिट करने में ईजी होगी, एक ऑब्जेक्टिव व्यू मिलेगा आपको। क्योंकि रिस्क को, जैसा कि मैंने पहले सारे सेशंस में बोला है, रिस्क को 100% क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रिस्क का मतलब ये है, रिस्क फ्यूचर का है, फ्यूचर अनसर्टेन है और फ्यूचर को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर को क्वांटिफाई कर दिया तो फ्यूचर में क्या होगा आपको पता चल जाएगा, यू आर नॉट ओमनीपोटेंट। तो एक तरीके से आप ऑब्जेक्टिवली उस रिस्क को देख लेते हो और देखने के बाद उसे रैंकिंग करने के बाद उस रिस्क को देख लेते हो और उसी के हिसाब से कंट्रोल्स लगा लेते हो, तो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आपको मिलता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अगर पुअर रेटिंग है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कंट्रोल्स लगाने हैं। उसके बाद क्या है कि जो रिस्क एनालिसिस है उसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, प्रायोरिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में या रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी अगर आपने एक बना रखी है तो उसमें क्या प्रायोरिटी है उस आपकी वेरियस कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने की। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बेटर होते हैं और डिटेक्टिव और जो करेक्टिव कंट्रोल्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी में नीचे रख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी एक प्रायोरिटी बना सकते हो, इतने एक प्लान बना सकते हो। इस तरीके से आप रिस्क को ऑडिट करोगे और रिस्क को इवेल्युएट करोगे, पहले रिस्क को इवेल्युएट करोगे उसके बाद रिस्क को ऑडिट करोगे, उसके बाद क्या होगा उसमें कंट्रोल्स देखोगे, एडुकेट कंट्रोल्स लगे कि नहीं लगे। अगर एडुकेट कंट्रोल्स लगे ओके, नहीं लगे हुए तो आप बताओगे कि भाई जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, जो मैनेजमेंट ने एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिफाइन किया उसी के हिसाब से कंट्रोल्स नहीं लगे। उसके बाद गैप्स देखोगे कंट्रोल्स में, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है ये देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। उसके अलावा क्या है, जो रिस्क एनालिसिस एक्सरसाइज होती है वो रिस्क के एरिया को पता लगाने में हमारी हेल्प करती है, कंट्रोल्स के एरिया को पता लगाने में हेल्प करती है। प्रायोरिटी ऑडिट अटेंशन जिसे बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स है उसे कहते हैं कि प्रायोरिटी ऑडिट अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश करती है। एक एसेट है बहुत ही क्रिटिकल है, वहाँ पर प्रायोरिटी ऑडिट अटेंशन की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, कई जगह लोअर प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे बैंक के सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है तो वहाँ पर हायर लेवल ऑफ प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी स्टडी एक आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करती है कि ऑडिट करोगे तो क्या क्या चीज़ देखोगे, क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स वहाँ पर आएंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या किस तरह से रिस्क रैंकिंग होनी चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए और किस तरीके से आप अपना ऑडिट जो है प्रोसीजर जो है उसी तरीके से जो नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट है वो वेरी करोगे। अगर मान लीजिए सपोज रिस्क रैंकिंग है तो आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे, और अगर मान लिया सपोज़ आपके वहाँ पर रिस्क रैंकिंग कम है या ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट का कोई प्रोसीजर है ही नहीं तो वहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मान लिया सपोज रिस्क असेसमेंट होता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा हो जाएंगे, और मान लिया सपोज रिस्क रैंकिंग है की हुई है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो वहाँ पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम होंगे, मतलब कम आप चेकिंग करोगे, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग वहाँ पर कम हो जाएगी। तो हमारी स्टडी इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन के बाद फैक्टर्स फॉर ऑडिट प्लानिंग अगला टॉपिक है, तो वो बताती है कि कौन से फैक्टर्स होंगे ऑडिट प्लानिंग के लिए, कौन से फैक्टर्स होंगे, किस तरह से ऑडिट प्लानिंग की जाएगी। तो बोलती है शेड्यूलिंग की जाएगी, यानी कि शेड्यूल्स बनाए जाएंगे कि कब काम कौन सा किस चीज़ को ऑडिट करना है, किसने ऑडिट करना है, कितने टाइम पर ऑडिट करना है, ड्यूरेशन का असेसमेंट किया जाएगा और पर्टिकुलर चीज़ का ऑडिट करने में कितना टाइम लगेगा।
स्किल सेट का असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि ये देखा जाएगा कि किस व्यक्ति के पास ऑडिट टीम में किस व्यक्ति के पास स्किल्स हैं कि नहीं है, अगर किस व्यक्ति के पास पर्टिकुलर ऑडिट करने के लिए कौन से स्किल्स हैं। अगर मान लिया सपोज एक डेटाबेस ऑडिट करना है तो वो उसके अलग स्किल्स होंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग स्किल्स होंगे। अगर मान लिया सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग स्किल्स होंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो उसमें अलग से स्किल सेट यूज़ किए जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा किस व्यक्ति के पास कौन सा स्किल सेट है, उसी के हिसाब से उसको वो एरिया असाइन किया जाएगा, उस ऑडिट टीम में उस बंदे को वो एरिया असाइन किया जाएगा। वो कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि कई बार क्या होता है हमारे पास वो कॉम्पिटेंसीज नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। तो जब आप प्रिलिमिनरी इवेल्यूएशन करोगे तभी ऑडिटर ये एश्योर एसर्टेन कर लेगा कि भाई हमें एक्सपर्ट की सर्विसेज लेनी है, और अगर एक्सपर्ट की सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड है यूजिंग द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, और उसी के अनुसार हम एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है आप देखोगे, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देखोगे और मैनेजमेंट देखोगे। तो ऑडिट बेसिकली पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और पर्टिकुलरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएटली सुपरवाइज होना चाहिए, उसका सुपरविजन सही तरीके से होना चाहिए, एक ऑडिट टीम होनी चाहिए। ऑडिट हो रहा है तो उसमें टाइम सेंसिटिव होता है ऑडिट, अगर टाइम ज़्यादा यूज़ हो गया तो आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी, और एक पर्टिकुलर टाइम लेवल पर आप ऑडिट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ऑडिट सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर मान लिया मैनेजमेंट ने आपको एक पर्टिकुलर एरिया देखने के लिए बोला है तो कई बार क्या होगा उस एरिया को आप पूरी तरीके से ऑडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बाउंड ऑडिट प्रोग्राम नहीं है, तो हर कई जगह पर आपके ज़्यादा से रिसोर्स लग जाएगा, कई जगह पर कई कम रिसोर्स लग जाएगा, कई जगह ज़्यादा रिसोर्स का टाइम लग जाएगा, दूसरी जगह कम रिसोर्सेज का कम टाइम लगेगा। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको जो प्रोफेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो कंप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो बाहर के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, उसके अनुसार कंप्लायंस करना पड़ेगा, और उसके बाद एविडेंस आपको लेना पड़ेगा। एविडेंस हम जानते हैं कि एविडेंस जिस तरीके से सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी होता है, डेटा में जो होता है एक्यूरेट कंप्लीट एक्यूरेट वैलिड डेटा होना चाहिए, डेटा में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसी की तरह एविडेंस जो ऑडिट एविडेंस होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। मतलब ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एविडेंस की, सफिशिएंसी होनी चाहिए एविडेंस में, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस बताए कि मालूम पड़ा आप आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज आप कोई चीज़ ऑडिट कर रहे हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई किसी से आपने सिग्नेचर्स लेने चाहिए, लॉग्स होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, रिलायबल एविडेंस होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए उस जगह के लिए आप जब बात कर रहे हो, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, रिलेवेंट होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए इफेक्टिव ऑडिट के लिए। क्योंकि आप क्या है कि ऑडिट कर रहे हो तो बहुत सारे आप ऑब्जर्वेशन लोगे, ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो उसमें क्या है कि अगर ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट रिलायबल रिलेवेंट और यूज़फुल नहीं है तो आप अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को नहीं मीट कर पाओगे। उसके बाद जो एविडेंस है उसका एनालिसिस आप करोगे, इंटरप्रेट करोगे उसको, और फिर उसके बाद फाइंडिंग करोगे और कंक्लूजन करोगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टडी बोलती है वो प्लानिंग के टाइम पर इंफॉर्मेशन ऑडिटर को अपने प्लानिंग में इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहला है चेंज इन फंडामेंटल प्रमाइसिस। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जाते हो और कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कई भी कंट्रोल फ्रेमवर्क चेंज हो जाते हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स चेंज हो गई और मैसिव चेंज हो गया, या टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ये कंट्रोल फ्रेमवर्क चेंज हो गया, और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, और जो लालाजी की कंपनी होती है उसमें तो बहुत होता है, उसमें क्या होता है कि अचानक एक दिन पता चलता है एक नया CFO आया या CEO आया, और फिर वो अपनी टीम के दो बंदे लेकर आया, और फिर धीरे धीरे सबके छुट्टी कर दी और उसी के बंदे सारे आ गए, तो मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया, क्योंकि शेयर होल्डर्स या जो ओनर्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो पुराने लोग हैं वो बिज़नेस को ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। अब पूरा कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया तो इसका मतलब पॉलिसी प्रोसीजर्स उन्होंने चेंज कर ली, तो वहाँ पर फंडामेंटल प्रमाइस चेंज हो गया,
और चूंकि फंडामेंटल प्रोमाइस चेंज हो गया तो वहाँ पर आपको रिस्क को ठीक फिर से रीवैल्यूएट करना, हर चीज़ को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली रिस्क को पूरी तरीके से रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप ऑडिट पिछली बार कर चुके हैं और इस बार फिर से कर रहे हैं उसी कंपनी का ऑडिट, तो इसका मतलब ये है कि आपको सारी जो प्लान है, जो जो मैनेजमेंट की लेवल ऑफ नॉलेज है, जो उन्होंने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं, वो सारी स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ वो कहता है, कभी कभी क्या होता है, ट्रांजैक्शन साइकिल और वॉल्यूम चेंज होता है तो रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क घट जाता है। प्रोसेसिंग एरर रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से, कई बार क्या होता है कि हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन अचानक आ गया तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, और कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत लो हो जाता है तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। बड़ी अजीब बात है, कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज 10 ट्रांजैक्शन है तो उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सिस्टम इस तरीके का होता है, और हज़ार सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है कि 1000 ट्रांजैक्शंस हैं उसमें, मालूम पड़ा 1000 ट्रांजैक्शन में 10 गलतियां हो रही हैं और 10 ट्रांजैक्शन में 5 गलतियां हो रही हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स बढ़ गया। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस जब बढ़ते हैं तो कई बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेंज हो जाते हैं, या हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हो जाता है तो रिस्क स्कोर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन अक्रॉस ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है और बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि त्यौहार आ गया या कुछ आ गया तो वहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पर हैवी लोड पड़ने लगता है सिस्टम में, तो वहाँ पर उस टाइम पर जैसे उस समय हैवी लोड हो गया तो उस समय हाई वॉल्यूम्स में आपका रिस्क प्रोफाइल कई बार चेंज हो जाता है। तो ऑडिटर को इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है ऑडिटर को देखनी पड़ेगी प्लानिंग के टाइम पर, फ्रीक्वेंसी। कई बार वॉल्यूम, नो डाउट वॉल्यूम जो है रिस्क प्रोफाइल चेंज कर देता है, ट्रांजैक्शन साइकिल कई बार रिस्क प्रोफाइल चेंज कर देता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क प्रोफाइल चेंज कर लेता है। कई बार क्या होता है कि जो भी, जैसे हमने पढ़ा है कि ईयर एंड में फ्रॉड, ईयर एंड के एंट्रीज देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर एंड में कई बार फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, फ्रॉड एंड एरर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं ईयर एंड में, तो पर्टिकुलर साइकिल्स में हमें देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर पीरियड्स में देखना पड़ेगा, कई बार फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा, उसके सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है तो उसमें क्या है कि वो हाईली ऑटोमेटेड होता है, तो हाईली ऑटोमेटेड एरिया है तो उसमें पर्टिकुलर टाइप के रिस्क होंगे, उसमें क्या है फ्रॉड और एरर के रिस्क नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम फ्रॉड एंड एरर नहीं करता है, सिस्टम के पीछे जो आदमी होगा वो फ्रॉड एंड एरर करेगा। तो उसमें क्या है कि ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम के रिस्क हो सकते हैं, उसमें क्या है कि वायरस के रिस्क हो सकते हैं, उसमें क्या है कि कनेक्टिविटी के रिस्क हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड्स हैं तो उसमें अलग टाइप के रिस्क होंगे। उसमें अगर मान लीजिए सपोज आप दोनों चीज़ें दोनों जगह पर आपको अलग अलग प्रस्पेक्टिव से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अब मान लीजिए सपोज आपके पास ऑटोमेटेड पूरा स्टॉक ब्रोकिंग सिस्टम है तो उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क वायरस हैकर्स की सारे से होता है, ट्रोजन हॉर्स वगैरह हो गया। और बिजनेस रिस्क क्या होता है कि मालूम पड़ा आपका एक ऑपरेटर बैठा है और उसने, आपने बोला 1000 शेयर खरीदो, उसने 10,000 डाल दिए, 10,000 शेयर्स डाल दिए। ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग में, अब तो कंट्रोल्स आ गए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, स्टार्टिंग में हुआ था कि वो कुछ 21 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना चाह रहा था, वो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया, उसे गलती से गलत डिजिट डल गया, क्योंकि 0.002 होते हैं, उसके चक्कर में उसे कन्फ्यूजन हुआ। बाद में जो वो नया टर्मिनल आया था, नया ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर ये गलती हो गई थी। बाद में स्टॉक एक्सचेंज ने लीनियंट व्यू लिया और उसको ठीक कर दिया, लेकिन बाद में कंट्रोल्स और फिल्टर्स लगा दिए गए, मतलब ये है कि उसमें ताकि आप इस तरीके की गलती ना करें। तो बिज़नेस रिस्क होते हैं, बिज़नेस रिस्क में आप ऐसी गलती कर सकते हैं, आप मालूम पड़ा आपने ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग टर्मिनल हो बटन गलत दबा दिया, गलत दबाते ही गलत चीज़ हो गई, आपको 5
5.0 करना था आपने 50 कर दिया, ये 5.00 करना था 500 कर दिया। तो ये सारे कंसिडरेशन ऑडिटर को देखने पड़ेंगे। तो इसके बाद वैल्यू और मटेरियलिटी, वैल्यू और मटेरियलिटी तो ट्रेडिशनल ऑडिट में भी हमने देखा है। रिस्क रेटिंग स्कोर जो होता है वो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, रिस्क रोटेड रेटिंग स्कोर बदलता जाता है। तो रिस्क रेटिंग स्कोर को फाइनेंशियल लेवल से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशनल लीगल और कंप्लाइंस इशू और रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट कर सकती हैं। मालूम पड़ा कोई पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन होता है साल में, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होता है, 100 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है, 1000 रुपये का होता है, 5000 रुपये का, वो उतना मटेरियल नहीं है। लेकिन जो एक ट्रांजेक्शन होता है वो 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, वो मटेरियल हो जाता है। वहाँ पर रेटिंग जो है रेटिंग चेंज हो जाती है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं ऑडिट प्लानिंग में, इन्हें इन फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। फंडामेंटल प्रमाइस तो चेंज नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप मालूम पड़ा पहले पुराने लालाजी थे, नए लालाजी आकर बैठ गए। अब मैनेजमेंट चेंज हो गया, आपको ये देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मालूम पड़ा पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कंट्रोल फ्रेमवर्क आ गए, चेंज हो गए, पॉलिसी प्रोसीजर चेंज हो गए, ये देखना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन साइकिल और वॉल्यूम देखनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दो टाइप के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क और टेक्नोलॉजिकल रिस्क। और फाइनली आपको मॉनेटरी वैल्यू देखनी पड़ेगी या मटेरियलिटी देखनी पड़ेगी, मटेरियल वैल्यू और मटेरियलिटी के टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जब आप ऑडिट प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी बोलती है ऑडिट ऑफ आउटसोर्स एक्टिविटी, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। सिंपल सा चीज़ है, हमारी स्टडी ये बोलती है कि क्रिटिकल जो सिस्टम्स हैं अगर वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं तो रिस्क हायर हो जाएगा। उस टाइम पर इसको ऑडिटर को देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का अपने आउटसोर्स वेंडर पर क्या कंट्रोल है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या कह रहा है, सर्विस प्रोवाइडर की रेपुटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और डिपेंडेंस बढ़ जाती है अगर क्रिटिकल चीज़ें आउटसोर्स हैं। अगर मालूम पड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉन क्रिटिकल चीज़ें आउटसोर्स हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्रिटिकल चीज़ें आउटसोर्स हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पर आपको कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, बैकअप्स देखने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो जिस आउटसोर्स्ड ऑर्गेनाइज जिस पर आउटसोर्सिंग दी गई है उसकी रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी, रेपुटेशन देखनी पड़ेगी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, डैमेज प्लान पेनल्टी क्लॉजेज हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगला चीज़ जो हमारी स्टडी बोलती है वो बोलती है मटीरियलिटी के बारे में। तो मटीरियलिटी तो इंपॉर्टेंट होती है, आप जब आप प्लानिंग करोगे तो आप मटेरियलिटी के लेवल्स को एस्टेब्लिश करोगे, क्या चीज़ मटेरियल क्या चीज़ नॉन मटेरियल है। तो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड क्रिएट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सही प्रस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है और एफिशिएंसी बढ़ती है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है ऑडिट एफर्ट का। नॉन मटेरियल चीज़ है उसका नॉन मटेरियल चीज़ है उनकी सैंपल उठा लो वहाँ पर, और जो मटेरियल चीज़ है उसको देखो। तो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड आपको फिक्स करनी पड़ेगी, और इस तरीके से फिक्स करनी चाहिए क्योंकि कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो ऑडिट के इफेक्टिवनेस में, और आप एफिशेंसी रीच आउट कर सको। कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिवनेस इम्पेयर नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब ये है ऑडिट के गोल की तरफ रीच करना, और एफिशिएंसी का मतलब ये है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स में वहाँ पर पहुँचना। तो कई बार क्या होता है कि लॉ आपको पर कोई ऑब्लिगेशन डालती है, लॉ आपको कहती है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपको देखनी है। अब 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन है वो आपको देखना है, और वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उसे नॉन मटेरियल मान के अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आप ऑडिट की गोल्स से भटक रहे हैं, कि आपकी इफेक्टिवनेस इम्पेयर हो रही है। तो इफेक्टिवनेस इम्पेयर नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से एफिशिएंसी इम्पेयर नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहाँ पर ERP भी है, आपका सैलरी प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, HRMS है और बहुत सारे हैं। तो उसमें जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो लीगेसी सॉफ्टवेयर्स हैं, कई बार आप कहोगे कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है इनका। मानो बड़ा अटेंडेंस का सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो रिसोर्स है कि नहीं है वो आप देख लेते हो।
मालूम पड़ा आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रोडक्टिविटी नापने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, आपको एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी चीज़ कर रहे हो लिखना है पर्टिकुलरली। कई ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जेनपैक्ट वगैरह, वहाँ पर आपके आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, आप जब भी कोई काम कर रहे हो, पहले दिया जाता था अगर कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें रिकॉर्ड कर दो कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैंने इतने काम किया, तो उसे एक तरह से आपका का क्या काम कर रहे हो उसका एक लॉग से क्रिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली उस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो आपके क्या काम कर रहा है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह के और तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्रिटिकल नहीं है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता है ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्रिटिकलिटी या इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट के गोल्स को रीच आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो आप छोड़ सकते हो और बाकी चीज़ें आप ऑडिट करो, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है बाकी चीज़ों का आप करो। अब ऐसा होता है कि दो टाइप के ऑडिट होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट और एक होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। दोनों में कुछ डिफरेंस है, मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट में दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल ऑडिट में मॉनिटरी टर्म्स में जनरली आप मटीरियलिटी देखते हो, या लॉ बोलती है कोई चीज़ या ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली आपके स्कोप में लिखा हुआ है, पर्टिकुलर एरिया देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एयरलाइन टिकटिंग बहुत होती थी, मतलब टिकट्स वगैरह होते थे, तो लोगों को पता चला कि फ्रॉड्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जो है फ्रॉड हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑडिटर्स बुलाए गए और उसी पूरे जो एम्प्लॉय की जो एयरलाइन टिकटिंग हो रही है उसका पूरा ऑडिट किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं वो मॉनिटरी टर्म्स में वहाँ पर मेजरमेंट होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ज़रूरी नहीं है। इम्पैक्ट अगर आप मटेरियलिटी लेवल्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो मेजरेबल नहीं होते हैं, कई ईजिली मेजरेबल नहीं होते हैं। कई एरिया में तो मेजरेबल होते हैं, लेकिन बहुत से एरिया में जो है मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड आप क्रिएट कर रहे हो वो मेजरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्वालिटेटिव ही आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर देख रहे हो, वहाँ पर स्क्रीन डिज़ाइन आप देख रहे हो, स्क्रीन डिज़ाइन आप पैसे के टर्म्स में नहीं देख सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड कोड डिज़ाइन देख रहे हो, तो उसको वहाँ पर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस लगा रहे हो। अगर मान लिया सपोज कोड डिज़ाइन है, अनस्ट्रक्चर्ड कोड डिज़ाइन है, स्क्रीन डिज़ाइन है, तो वो किसी सोर्स डॉक्यूमेंटेशन से मैप्ड होनी चाहिए, अगर वो मैप्ड नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स है, उसके अलावा मटेरियलिटी अगर आप थ्रेशोल्ड कर रहे हो जैसे फायरवॉल के केसेस में है, तो आप प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, अगर प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। तो वहाँ पर आप मॉनिटरी टर्म्स में ज़रूरी नहीं है उसको क्वांटिफाई कर सको, क्योंकि अगर फायरवॉल सेटिंग नहीं है तो हैकर आ भी सकता है, हैकर नहीं भी आ सकता है, वायरस आ भी सकता है, वायरस नहीं भी आ सकता है, तो उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उन रिस्क को आप जरूरी नहीं है क्वांटिफाई कर सकते हो उन रिस्क को, लेकिन क्वालिटेटिवली आप जज कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि ऑडिटर सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर चाहिए होता है, जिसके पास प्रोफेशनल जजमेंट हो, जो समझ सके। कई बार इनसिग्निफिकेंट एरर्स और डेविएशंस होते हैं उसको, लेकिन वो उसको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता है कि ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड में आती हैं, क्वांटिटेटिव या मॉनिटरी थ्रेशोल्ड में जरूरी नहीं है आए, लेकिन क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड में आती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड का फिक्सेशन करना कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके अलावा ऐसा है कि आप मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड जो है हर कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स के साथ एस्टेब्लिश करते हो कई बार, जो फाइनेंशियल ऑडिट में ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल ऑडिट में हर कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स के साथ मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स हैं, वायरसेस हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं, बाउंड्री कंट्रोल्स हैं, उसके अलावा बाकी सारे कंट्रोल्स हैं, तो हर जगह पर मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड आपको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन एसेट है, इन्फॉर्मेशन एसेट बहुत वैल्यूएबल हो गया है और ये पूरे सिस्टम पर डिपेंडेंट है, ये एक पर्टिकुलर एसेट, और ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो
इस जो नीचे का पूरा सिस्टम है, इसमें जो वैल्यू है वो इसमें है, मतलब जो वैल्यू है वो इन्फॉर्मेशन में है। जैसे फेसबुक है, उसमें वैल्यू कहाँ पर है? इन्फॉर्मेशन में। वो जो बिल्डिंग जहाँ पर डेटा रखा है, डेटा फार्म्स रखे हैं, बड़े बड़े डेटा फार्म्स हैं जहाँ पर डेटा रखा गया है, उस बिल्डिंग की उतनी वैल्यू नहीं है। वो बिल्डिंग उस जैसी कितनी बिल्डिंग खरीदी बेची जा सकती है, लेकिन उस वो जो डेटा है उसे 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बना रहा है। वो जो उसके साथ सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हर एक आदमी को अपनी स्क्रीन में एक अलग व्यू देता है, मतलब आप आपका अलग लॉगिन होता है, दूसरे आदमी का अलग लॉगिन होता है। जैसे अगर आप रेडियो ओपन करते हो तो हर एक के उसमें एक ही इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन अगर आप फेसबुक ओपन करते हो हर एक के बीच में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो जो वैल्यू है, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है, और जो वो सॉफ्टवेयर की वैल्यू है, वो उसको 100 बिलियन डॉलर बना रही है। और कई जगह पर तो इन्फॉर्मेशन जो है उसे वैल्यूएबल बना रही होती है, और उसके पीछे, उस इन्फॉर्मेशन के पीछे पूरी एक इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अगर इसमें ये डेटा हटा दिया जाए तो कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती है। तो लेकिन इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए होता है। तो इस सिस्टम के अंदर के कंट्रोल्स को आप वैल्यू करने लगोगे तो आप वैल्यू नहीं कर पाओगे। कई बार एक छोटा सा फायरवॉल लगी होगी, सॉरी छोटी सी नहीं, एक फायरवॉल लगी होगी, कोई छोटा सा सिस्टम लगा होगा, तो उस सिस्टम की आप उसको वैल्यूलेस लोगे एक तरह से, लेकिन वो आपके एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट डेटा को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। जैसे एक राजा है, राजा के पास एक सैनिक खड़ा हुआ है, राजा की जान बहुत कीमती है, लेकिन सैनिक ऐसा सैनिक है जो जो राजा को कोई मारे उससे पहले वो उसके सामने खड़े हो जाए, तो उस सैनिक की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। अगर राजा नहीं है, राजा अपने सो रहा है, वो सैनिक बाजार में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो राजा को जब कंट्रोल के सामने सुरक्षा कर रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, वो मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड में बहुत ऊपर हो गया है। तो यही चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के साथ, यहाँ पर पिक्युलैरिटी आ गई, मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड में भी पिक्युलैरिटी आ गई। तो जब ऑडिट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल फाइंडिंग्स आएंगे आपके पास, आपकी टीम के मेंबर की, तो वो इंडिविजुअल फाइंडिंग्स आप देखोगे। कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल फाइंडिंग अपने आप में मटेरियल नहीं होती है, जब वो एक साथ मिलती है तो एक चेन ऑफ इवेंट बन जाता है और वो क्रिटिकल बन जाता है। तो वहाँ पर आप ये देखोगे, ये फाइंडिंग्स जो हैं आपको मैनेजमेंट को देनी है, मतलब कौन सी फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट है नहीं है। कई बार क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पर्टिकुलर फाइंडिंग्स इंक्लूड करते हो, बाकी सारी चीज़ों एनेक्सर वगैरह में डाल देते हो। तो क्या होता है कि आप जो मेन बॉडी ऑफ मैं जो है, आप पहले आप देखते हो कि इंडिविजुअल फाइंडिंग्स क्या हैं, और फिर ये देखते हो कि सब लोगों की फाइंडिंग्स मिला के देखते हो। कई जगह पर आपको लग रहा होता है कि ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक चेन बन रही है, एक कैस्केड बन रहा है जो कंट्रोल को ख़त्म कर सकता है। मतलब ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल है, लैक्स है, लेकिन बाकी जगह कंट्रोल्स हैं, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स हैं। वो फाइंडिंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कंपनसेटिंग कंट्रोल्स इन कंट्रोल्स को कंपेंसेट करते रहे, लेकिन कई जगह पर ये होता है कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स नहीं है और बाकी जगह पर कंट्रोल्स लैक्स हैं। तो फिर इंडिविजुअल आदमी ने आपको बताया कि इस जगह पर कंट्रोल लैक्स है, इस जगह पर कंट्रोल लैक्स है, तो टोटैलिटी में आपको पता चला कि यार कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स भी नहीं लगे हैं इसके करस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर चीज़ के करस्पॉन्डिंग, तो आपको फाइंडिंग्स जो है आपको देनी होती हैं, वो मटीरियल फाइंडिंग्स बन जाती हैं। थैंक्स।